ये जनरल बस स्टैंड पारिमपोरा है, यहाँ से मिनी बसें, सोमो, टवेरा बसें सारा यहाँ से ही निकलते हैं रूटों पर। कम से कम इस सेक्टर की तरफ तवज्जो दी जाए। ये जो जनरल बस स्टैंड है ये पानी में डूब गया है, थोड़ा सा ही बारिश आ रहा है तो ये बस स्टैंड डूब जाता है। यहाँ अभी तक कोई काम ही नहीं हुआ, ना कोई मैकडम हुआ है, ना कुछ काम हो रहा है। हमने बहुत बार अपील की गवर्नमेंट से भी, हम RNB के ऑफिस पर भी गए, उनसे भी मिले, मगर कोई काम हमारा नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल में इसमें मैगनीज़म हुआ ही नहीं है। 3 साल हमको इधर हो गए, हमको बटमालों से इधर शिफ्ट किया गया है, मगर यहाँ बदकस्मे से कुछ नहीं हो रहा है। हमारी यही डिमांड है कि हम LG साहब से ये अपील करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजन एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहते हैं, इस बस स्टैंड की तरफ तवज्जो दीजिए। अगर आप दिल्ली में जाएंगे वहाँ देखें बस स्टैंड की पोजीशन क्या है, आप पंजाब जाए वहाँ देखें पोजीशन क्या है बस स्टैंड की, आप जम्मू जाए और यहाँ जो कश्मीर है इसको क्यों पीछे छोड़ा जा रहा है। कम से कम इस सेक्टर की तरफ तवज्जो, इस बस स्टैंड की तरफ तवज्जो दीजिए। ये आप पीछे कैमरा घुमाए, आप देखें घास कितना है, ना यहाँ सफाई कर्मचारी है, ना यहाँ कोई पूछने वाला है। जैसे यहाँ जनरल बस स्टैंड में कम से कम 50-60 हज़ार लोग जिनको आते हैं जाते हैं, बच्चे होते हैं साथ, अगर यहाँ पानी में बचा जाएगा तो वो तो नज़र नहीं आएगा। इतनी हालत है ख़राब इस बस स्टैंड की। हम यही अपील करना चाहते हैं, अपील बार बार आपकी वसादत से, गुलिस्तान के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, जो बार बार आ रहे हैं, जो हमसे बार बार पूछ रहे हैं, हम यही शुक्रगुजार कर रहे हैं, शुक्रिया करते हैं कि कम से कम LG साहब से अपील करना चाहते हैं, इस बस स्टैंड की तरफ से पूरा तवज्जो दिया जाए।